आप लोग अपने फोन का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको पासवर्ड याद नहीं कि फोन में हम कौन सा पासवर्ड लगाए थे, अगर आपसे लॉक हुआ, आपके बच्चों से, गार्जियन से, किसी से भी लॉक हुआ, किसी ने भी आपके फोन का पासवर्ड चेंज किया और वो भूल चुके हैं, सिंपली अनलॉक करने के लिए आप लोग को मोबाइल दुकानदार के पास जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। घर बैठे आप लोग अपने फोन को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, इस वीडियो को देखकर अपने फोन को घर बैठे अनलॉक कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए आप लोगों से एक निवेदन है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नमस्कार गाइस, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉक तोड़ दिया। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंड्रॉयड फोन को अनलॉक। तो अगर आप लोग के पास ओप्पो, वीवो, रियलमी, सोमी, नोकिया, नार्जो किसी भी कंपनी का फोन हो, कुछ इस प्रकार से लॉक हो चुका, सिंपली घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो किसी भी प्रकार का लॉक हो, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, नेम लॉक, किसी भी प्रकार का लॉक हो, पासवर्ड लग चुका, सिंपली इस वीडियो को देखकर अपने फोन को घर बैठे अनलॉक कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, इमरजेंसी कॉल पर जाना है, ध्यान से सुनिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जाइएगा। अनलॉक करने के लिए आपको इमरजेंसी कॉल पर जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन में इस कोड को डायल कर लेना है, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा लंबा कोड नहीं है, बहुत ही शॉर्ट कोड है और सिंपली इसे आप लोग आसानी से इजी वे में आप लोग याद कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस कोड पर 7 टाइम 1 2 3 3 4 5 6 7 7 टाइम आपको इस कॉल यानी उस कोड पर ओके कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर को डिलीट कर देना है। उसके बाद अपने फ़ोन में *#899 और क्या करना है, आपको हैश डालना है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हैश डालने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग के सामने खुल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैनुअल टेस्ट पर क्लिक करना है, ध्यान सुनिएगा, मैनुअल टेस्ट पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से फ़ोन को स्क्रॉल करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग डिवाइस डिबगिंग के एक ऑप्शन में ऊपर में ऑप्शन है चेक अ स्मॉल बोर्ड मैथ इन मैथ पासपोर्ट, क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करके इसको सिंपली पास करवा देना है। इजी वे में वो पास हो जाएगा बैक करके। अपने फ़ोन में सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, ये ध्यान से सुनिएगा, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, हमारे फ़ोन में सेंसर्स होते हैं और जो हमारे इस फोन में 3 सेंसर, तो जरूरी नहीं कि आपके फोन में 3 ही सेंसर हो, आपका फ़ोन 2 सेंसर पर काम कर सकता है, 5 पर भी काम कर सकता है, 17 पर भी काम कर सकता है। तो अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, अनलॉक करने के लिए सबसे पहले फ़ोन के सेंसर को आपको चालू करवाना है, ध्यान सुनेगा, ये हमारे फ़ोन में 3 सेंसर है, जैसा कि पहले बता दिए, हमें एक सेंसर पास की जरूरत है जो कि हमारा यहाँ पर हो चुका है। जो सेंसर पास हो जाएगा पहले उसको इस प्रकार से क्लिक करके आपको क्या करना है, बैक कर लेना है। यहाँ पर सेंसर यहाँ पर जायरोस्कोप पर जाएगा, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट को स्टार्ट कर दिया, देखिए टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग के बाद जो है ये पास हो जाएगा, ठीक है, टेस्टिंग के बाद ये पास हो जाएगा। तो अगर पास होते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पास हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो पास नहीं हुए, ध्यान रखिएगा इसे पास करवाना है ग्रीन कलर से। उसके बाद जायरोस्कोप नॉइस डाटा को यहाँ से स्टार्ट करके आपको सीधे बैक चले आना है और फिर से आपको इंजीनियर यहाँ इंजीनियर मोड के डिवाइस डिबगिंग वाले ऑप्शन पर पहुंच जाना है और यहाँ पर एम सेंसर ऑटो टेस्ट को आपको सक्सेसफुली पास करवा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक करना है और आपको जाना है कहाँ, अदर्स पर। अदर्स पर जाएगा तो यहाँ रीड राइट इंपोर्टेंट लॉक टेस्ट मिलेगा, कन्फर्म करने के लिए बोलेगा ओके करना, लेकिन पहला बार कैंसिल कर दीजिएगा, दूसरा बार में भी आपको कैंसिल कर देना और तीसरा बार में आपको ओके कर दीजिएगा, ठीक है। उसको ओके करने के बाद आपको क्या करना है, की स्टेटस पर क्लिक करके सारे की को आपको पास करवा करके आपको बैक करके रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर को सक्सेसफुली आपको पास करवा देना है। पास करवाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से बैक करना है, फिर से आपको बैक करना है और यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन दिखेगा सॉफ्टवेयर वर्जन, उस पर क्या करना है आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्जन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को सामने यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 12 है, जो कि हमारा फोन एंड्रॉयड वर्जन 12 पर अभी हो चुका फिलहाल में। और उसके बाद आपको क्या करना है, फैक्ट्री वर्जन पर 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 टाइम हमने ओके इसलिए किया क्योंकि मेरा फोन अभी एंड्रॉयड वर्जन 12 है। तो अगर आपका फोन एंड्रॉयड वर्जन 11 है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री वर्जन पर आपको 11 टाइम ही क्लिक करना, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से फोन को स्क्रॉल कर देना, आपका फोन जिस कंडीशन से लॉक हुआ उस कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।